कश्यप जिंदाबाद। मनीष कश्यप मत घबराना, युवा मिल के सरकार गिराए, बिल्कुल गिरा देंगे हम लोग। आप लोग सरकार गिरा देंगे? जी जी, गिरा देंगे सरकार, हम लोग को नहीं। सरकार राज लियाना चाहता है, वो जंगल का राजकुमार है, जंगल राज रहेगा। आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग सच्चाई दिखाते रहिए, आप लोग को भी FIR दर्ज कर। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि युवा जो है 3 साल के अंदर में हमसे ज्यादा फॉलोअर बढ़ा दिया, हमसे ज्यादा इनके सपोर्ट में लोग आ गए, तो ये आने वाले समय में CM ना बन जाए, इसलिए 10 दिन के अंदर में इनको ये सब कुर्ती जब्ती करवा के अरेस्ट कर लिया। समझ लिए हैं जे हमारा पापा जी चोर थे, तो वैसे ही मनीष कश्यप के वो समझ लिए हैं। जैसे हम लोग लोड ब्लॉक करेंगे, लोग तोड़ फोड़ करेंगे। क्या मनीष कश्यप ने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उनके घर का कुर्की होने लगा? अभी देखिए हमारे साथ सभी लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में आए हुए हैं, यहाँ पे थाना में हजारों लोग हैं। 90% लोग सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप का, 5% 10% करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं है। तो जब चूहा थोड़े है कि चूहा की तरह आगे बढ़ जाए। कौन लोग है जो ये खबर चला रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है? बैठे बैठे स्टूडियो में अब बिना फोकट का न्यूज चलाएगा लोग, बड़े बड़े चैनल वाले, तो कहे नहीं कहे। दिखाई एक बार, ये वही थाना है जहाँ पे मनीष कश्यप ने आकर अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। जेल तो गांधी जी भी गए थे, जेल तो भगत सिंह भी गए थे। हाँ, अगर रेप के मामले में मनीष कश्यप जाता, किसी का मर्डर करके जाता, चोरी डकैती करके जाता, तो हम लोग को भी दुख लगता। दोस्तों इस वक्त हम उसी थाना में मौजूद है जहाँ पे मनीष कश्यप ने आकर सरेंडर कर दिया। जी हाँ, बता दूं आप, बेतिया जिला के ये जगदीशपुर OP है जहाँ पे मनीष कश्यप सुबह में आए और आत्मसमर्पण कर दिए। पता है किस लिए? हम सभी लोगों के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या मनीष कश्यप ने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उनके घर का कुर्की होने लगा? अभी देखिए हमारे साथ सभी लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में आए हुए हैं, यहाँ पे थाना में हजारों लोग हैं जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हैं। इनसे मैं बातें करूंगा। क्या मनीष कश्यप ने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि कुर्की जब्ती होने लगा उनके घर का? सरकार के नजर में तो अपराधी है, लेकिन युवा और बिहार के लोगों की नजर में नहीं है। 90% लोग सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप का, 5% 10% करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द उनको रिहा नहीं किया जाता है तो पूरा युवा मतलब रोड जाम करेगा, मतलब शांतिपूर्ण से चाहे जैसे भी हो, लेकिन युवा पूरा तैयार है इस सरकार को गिर, एक मनीष कश्यप ही नहीं गिराएंगे, पूरा बिहार के जनता, पूरा युवा मिल के ये सरकार गिराएगी। मनीष कश्यप को रिहा नहीं करेंगे तो सरकार गिरा देंगे? बिल्कुल गिरा देंगे हम लोग। आप लोग सरकार गिरा देंगे? सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ऐसा सरकार? क्योंकि रोजगार के बात बोल दे रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। एक सच्चा अच्छा पत्रकार को जेल में भिजवा दे रहे हैं, उसका क्या गलती है? मनीष भैया का, मनीष भैया का कोई गलती नहीं है। वो एथी वाला कांड में तमिलनाडु का, उनका क्या गलती था? उसमें उनका कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है। नेता मंत्री गए, उन पे FIR क्यों नहीं हुआ? एक मनीष कश्यप पे देखिए, इधर आइए, जरा इधर आइए। बड़े लोगों पे FIR क्यों नहीं होता है बताइए तो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है बड़े लोगों पे इसलिए FIR नहीं होता है कि, कहने का मतलब है मान लीजिए वो लोग गलत है, मनीष जी हम मान लेते भाई देवे गलत है, आप सही है तो आप बिहार के लिए किए तो क्या किए? मेरे कहने का मतलब समझिए, मनीष जी गलत है, नीतीश जी और तेजस्वी जी वो सही है। बिहार में आप कितने फैक्ट्री खोले ये बताइए? बिहार के लोग बाहर नहीं जाते तभी ना पीटते, बिहार के लोग बिहार से बाहर गए तभी ना पीटे हैं भैया। आप लोग अगर सही है तो बिहार में फैक्ट्री खोलिए और बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए, ताकि बिहार में हमारे लोग मजदूरी यहाँ काम करें और यहाँ पर रहे नहीं पीटे। सबसे पहली का बात ये है, इसीलिए वो सच्चाई कहीं, कहीं बिहार से बाहर लोग जाते हैं, बार बार बिहारी पिटाते हैं, इसीलिए हम लोग आवाज उठाते हैं। तो नाकामी छुपाने के लिए जो आप केस कर देते हैं, नाकामी अपना छुपाने के लिए FIR कर देते हैं कि अगर मीडिया ये सब दिखाएगा तो सरकार का बदनामी होगा, हम रोजगार नहीं देंगे तो लोग पिटाएंगे ही, और पिटाएंगे और वापस बिहार आएंगे तो हमारा पोल खोलेंगे। इसलिए काम करो, इसको अंदर भिजवा दो, ताकि जो अंदर रहेगा आवाज ऊपर नहीं जाएगा और बिहार में सरेआम जो है लुटाई होते रहेगा। क्या हुआ था वहाँ पे जो गए थे, जहाँ पे जो एग्जाम हुआ था, मान लीजिए बच्चा सबका 3 साल का कोर्स है, वो 5 साल में क्यों लिया जा रहा है? अगर हमारे बिहार से बाहर जाइएगा तो आप वही चीज, वही सेशन, वही ईयर आप लोगों को 3 साल में करके दिया जाएगा बिहार से बाहर, और हमारे बिहार में 5 साल में क्यों दिया जाए? वहाँ पे गए थे ना मनीष जी जा करके, वहाँ अकेले माइक लेकर के पूरे हॉल में घुस करके उन लोगों से सवाल किया था। आवाज हम लोग अगर उठा रहे हैं सच्चाई पे तो अंदर करवा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अंदर नहीं करना चाहिए, सरकार गलत कर रही है। अगर सही है तो बिहार के लिए कुछ करके दिखाए, हम यही कहना चाहते हैं। बिहार सरकार अगर गलत नहीं है, वो सही है, नीतीश जी या तेजस्वी जी वो सही है, तो बिहार के लोगों के लिए रोजगार दे, ताकि बिहार से बाहर लोग नहीं जाए काम। देखिए अभी समर्थन में मनीष कश्यप का सारा लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप जा रहे थे मनीष कश्यप तो देखे थे? जी बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी दिए। बड़े बड़े न्यूज वाले जी न्यूज पे कान दिखाई दे रहा है कि हाँ कि
कि उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यहाँ पे खुद का सरेंडर किए वो भी शेर की तरह। सबसे पहले शेर की तरह आके सरेंडर कर दिए, बिल्कुल सही बात है। जो लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिए गए वो झूठ है। तेजस्वी आया था, गाड़ी यहाँ पे आया था मनीष भैया का, वहाँ से सेब किने और रसगुल्ला और चाय वो पियो कर तब आए शेर की तरह आए हैं। चोरवा थोड़ी है मनीष का, तो लोग है जो चला रहे हैं कि मनीष का सेब गिरफ्तार हुए हैं। वो जी न्यूज पर दिखाई दे रहा, वो उनके चमचे बेलचे होंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं आपके न्यूज के माध्यम से कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि युवा जो है 3 साल के अंदर में हमसे ज्यादा फॉलोअर बढ़ा दिया, हमसे ज्यादा इनके सपोर्ट में लोग आ गए, तो ये आने वाले समय में सीएम ना बन जाए, इसलिए 10 दिन के अंदर में इनको ये सब कुर्ती जब्ती करवा कर अरेस्ट कर लिया। यही मान रहे सच में, यही बात है। डर गए मनीष कश्यप, बिल्कुल हमारे बिहार में अभी की डेट में हजारों मीडिया वाले हैं, उन लोगों पर क्यों नहीं हुआ FIR? 28 लोगों पे हुआ है ठीक है, बहुत कम लोग पर जो पॉपुलर है ना केस हो गया उन्हीं पर हुआ है, लेकिन हाँ। तो बड़ा बड़ा चैनल वाला उस पर तो नहीं ना हुआ, तो हिंदुस्तान पे नहीं हुआ, दैनिक भास्कर पे नहीं हुआ, अमर उजाला पे नहीं हुआ, जाके करके दिखाओ ना भाई, इतना हिम्मत है तो हम लोग अगर आवाज उठा रहे हैं ग्राउंड से, वो लोग घर में बैठ के डिजिटल बोर्ड पे चला देते हैं खबर, घर में बैठ के स्टूडियो में चला देंगे, उनपे नहीं होगा। जी न्यूज के कैसे पता चला गया कि वो उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि यहाँ हकीकत जमीनी हकीकत ये है, आंखों से आपने देखा था, बिल्कुल सही बात है। जी जी आपने आंखों से देखा, पीला टी शर्ट पहने हुए थे, जींस पैंट ब्लू पहने थे, ब्लैक जूता भी पहने हुए थे, इसी थाना में आके दे दिया हम समर्पण। जी जी शेर की तरह यहाँ पे आए हैं, चाय भी पिए हैं, बगल में फ्रूट भी खरीदे हुए थे, चाय पीकर और शेर की तरह यहाँ पे आए हैं, लेकिन जी न्यूज पे दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है लोग कि उनको गिरफ्तार किया, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा मनीष कश्यप को गिरफ्तार और ताफ का ये सब जो खबर है वो सब झूठी है, झूठी सरेंडर किए हैं, ये देखिए फोटो भी खींचे हैं भाई साहब, देख लीजिए आके एकदम शेर की तरह बैठे हैं, नहीं बिल्कुल शेर की तरह, हाँ क्या कह रहे हैं आइए जरा इधर, मनीष कश्यप चूहा थोड़े है कि चूहा की तरह आगे बैठे, कौन लोग है जो ये खबर चला रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है, बैठे बैठे स्टूडियो में अब बिना फोकट का न्यूज चलाएगा लोग बड़े बड़े चैनल वाले, तो कहे नहीं कहेगा लोग कितना न्यूज हम लोग बिहार का जो क्राइम है जो मर्डर होता है दिखाता है सब, अपना एड चलाने से फुर्सत है। आपसे एक सवाल है, मनीष कश्यप जो है इतना बड़ा अपराध कर दिया कि 10 दिनों में उनका कुर्की जब्ती अरेस्ट वारंट हर चीज निकाल दिया, जो मुझे जानकारी है कुर्की जब्ती उनके ऊपर बहुत पहले से बेतिया थाना में मामला दर्ज था, उसको लेके कल उनके ऊपर कुर्की जब्ती का कार्रवाई हुआ है, ठीक है सामना करेंगे, पत्रकार है केस लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा दुनिया जेल तो गांधी जी भी गए थे, जेल तो भगत सिंह भी गए थे, हाँ अगर रेप के मामले में मनीष कश्यप जाता, किसी का मर्डर करके जाता, चोरी डकैती करके जाता, तो हम लोग को भी दुख लगता हुआ, अगर गलती से भी कोई तमिलनाडु में जो मामला था तो बिहार के विधानसभा में भी सवाल उठे थे, माननीय लोग अखबारों में भी छपा था, तो सवाल ये बनता है कि मनीष कश्यप ही क्यों, ये तो सवाल बनता है, एक और सवाल भी तो बिहार सरकार से बनता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय अदालत बहुत जल्द मनीष कश्यप को रिहा कर देगी इस मामले में, आगे ऐसा हम कोई गलती ना करें कि किसी भी सरकार को मौका मिल जाए केस करने का, इस बात का हमें, चूंकि सोशल मीडिया की आवाज बहुत बुलंद हो रही है और सोशल मीडिया को जगाने का प्रयास भी किया जाएगा, तो हमें सतर्क रहना है कि हम लोग जिस मजबूती से सवाल मुद्दे उठा रहे हैं जनता के, उस मुद्दा को हम लोग उठाते रहे। अच्छा मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से युवा लोक में क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जितना भी युवा है हमारे सबका मसीहा थे वो, सबके लिए हक के लिए लड़ते थे, आवाज उठाते थे, सारे स्कूलों में जाकर आवाज उठाए उन्होंने, अब बताइए तेजस्वी जी सरकार है, नीतीश जी सरकार है, इनको हर एक स्कूलों में कंप्यूटर लगाना चाहिए, मनीष कश्यप कहे जाकर लगाए, जो पैसा कमाते हैं मीडिया से या पत्रकार से वो अपना आधा पैसा जाकर हर एक गरीबों को बांटते हैं, उनका डेली हम वीडियो देखते हैं, सभी वीडियो में हर एक गरीब को मसीहा है, मसीहा की तरफ मदद करते हैं, 5,000, 10,000, 50,000 जितना हुआ उतना मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे। अगर मनीष कश्यप को जेल से नहीं निकलने दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप? धरना करेंगे हम लोग, हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे लोग, रोड ब्लॉक करेंगे लोग, वो समझ लिए हैं जे हमारा पापा जी चोर थे तो वैसे ही मनीष कश्यप के वो समझ लिए हैं, वैसे ही समझ लिए हैं तो वैसे हम लोग नहीं होने देंगे लोग, जैसे हम लोग लोड बलाव करेंगे लोग, तोड़ फोड़ करेंगे लोग, लेकिन ये सब तो गलत है ना कहीं गलत है, तो वो भी तो गलत किए नु है मनीष भैया में, कौन सा गलती है? वीडियो जरा दिखाइए, जो अगर गलत क्लिक डाले हैं, वीडियो डाले हैं, वो वीडियो चाहिए हमको, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है और हम दावे के साथ कह सकते हैं ये हमारे ही फैमिली के मेंबर से ये घटना घटा हुआ है। अच्छा, उसका भी जी हमारे जीजा के साथ ये घटना घटा हुआ है, उसका भी सबूत हम दे देंगे आपको। हाँ
वो आए थे ट्रेन पर पकड़ने के लिए, स्टेशन पर उसको मारा गया, बैग छीन लिया गया, मोबाइल वोबाइल, वो तो तमिल बोलते थे तो तमिल वाला कुछ बचा लिया लो। तीसरे दिन वहां से ट्रेन पकड़ कर आए हैं, हमारा उसी टाइम शादी था, ठीक है। तो तेजस्वी सच्चाई को दबाना चाहता है, और तेजस्वी तो गया था तमिलनाडु में, गया उधर का सीएम से केक को काट कर चला आया, उसको क्या पता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, ग्राउंड जंगल राज लाना चाहते हैं, जंगल राज लियाना चाहता है, जंगल का राजकुमार है, जंगल राज आएगा। आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग सच्चाई दिखाते रहिए, आप लोग को भी एफआईआर दर्ज कर देगा। हाँ, एफआईआर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सभी लोग साथ एक बार चारों तरफ क्रम में घुमाइए और दिखाइए कि जितने यूथ लोग हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट में आके अभी भी यहाँ पे खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? जय चंपारण।